सो हेलो गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल टॉप से टूडी में। आज हम डिस्कस करने वाले कैस्ट्रॉल इंडिया लिमिटेड स्टॉक में आज के दिन 9 रुपए 45 पैसे की तेजी देखने को मिली और ये स्टॉक 4.5% से भी ऊपर के अपसाइड मूव दिखाता हुआ नजर आ रहा है। हम इस वीडियो में ये डिस्कस करने वाले किस स्टॉक में फ्यूचर में क्या टारगेट बनते हुए नजर आ रहे और हमें स्टॉप लॉस कहाँ पर ट्रेड करके रखना चाहिए। स्टॉक का चार्ट पैटर्न देखें तो इस स्टॉक में जब 148 रुपीज के स्टॉक ने एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट लेवल बनाया और यहां से स्टॉक में एक बड़ी तेजी देखने को मिली, जहां पर स्टॉक ने एक हाई बनाया था 194 रुपीज का। 194 रुपीज का इस पॉइंट पर स्टॉक का एक हाई था। ऊपरी लेवल पर स्टॉक में एक करेक्शन देखने को मिली, स्टॉक ने 167 रुपीज के प्राइस को रिटेस्ट किया और यहां से स्टॉक ने एक सपोर्ट लेवल बनाकर यहां से स्टॉक में एक बड़ी मात्रा में डिमांड देखने को मिली। ऊपरी लेवल पर स्टॉक में वन वे रैली देखने को मिली, स्टॉक ने एक हाई बनाया 204 रुपीज का। 204 रुपीज का स्टॉक ने एक टॉप बनाया। ऊपरी लेवल पर स्टॉक ने 3 टाइम सेम प्राइस टच करने के बाद ऊपरी लेवल पर एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिला, जहां पर स्टॉक ने 188 रुपीज के प्राइस को रिटेस्ट किया और यहां से स्टॉक में लगातार एक बाइंग जोन देखने को मिला। स्टॉक का जो पिछला हाई था 204 रुपीज, उसे आज के दिन स्टॉक ने ब्रेकआउट दे दिया था। स्टॉक ने नया हाई बना दिया 230 रुपीज का। ऊपरी लेवल पर स्टॉक में एक हल्की सी करेक्शन देखने को मिल रही है, तो अगर आप इस स्टॉक में पोजीशन बनाना चाहते तो 204 रुपीज जो कि स्टॉक का पिछला हाई है वहां पर एक स्टॉप लॉस रखें। ऊपर के टारगेट अराउंड 225 रुपीज के लिए आप इस स्टॉक को होल्ड करके रख सकते हैं। स्टॉक में आज के दिन देखें तो नॉर्मल दिनों से ज्यादा स्टॉक में लिक्विडिटी देखने को मिल रही है, साथ के साथ स्टॉक के प्राइस में भी एक अच्छा उछाल देखने को मिलेगा, जिससे साफ पता लगता है कि यहां से स्टॉक में एक स्ट्रॉन्ग बुलिश पैटर्न बनता हुआ नजर आ रहा है। अगर आप इस स्टॉक में एक लॉन्ग टर्म के लिए पोजीशन बनाना चाहते हैं तो 188 रुपीज, जहां से स्टॉक में एक रिवर्सल पैटर्न दिखाएगा, जब तक स्टॉक इस प्राइस से ऊपर रहता है स्टॉक में एक लॉन्ग टर्म के लिए अप ट्रेंड देखने को मिलेगा। ये वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें।